हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बिग बॉस सीजन 16 का अब एक और शुक्रवार का वार यानी कि वीकेंड का वार आने वाला है। आज वीकेंड का वार सलमान खान शूट करेंगे और ऐसा माना जा रहा है कि अब जब कल शुक्रवार को सलमान खान आएंगे तो अर्चना गौतम की वो जमकर क्लास लगाने वाले हैं, क्योंकि अर्चना गौतम घर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अपनी ज़ुबान से गलत गलत बातें उगलती नजर आ रही है। जहां बीते दिनों अर्चना गौतम ने अपनी जुबान से निकाले थे गौरी नगौरी के लिए कड़वे शब्द, तो वही अब अर्चना का निशाना बन चुकी है प्रियंका। और प्रियंका को लेकर भी अर्चना ने कई गंदी गंदी बातें बोली हैं। जैसा कि आपको मैं एक बार फिर से याद दिला दूं कि अर्चना गौतम गौरी को बोल चुकी है रास्ते में बैठने वाली औरत, वही जब अब अर्चना और प्रियंका का झगड़ा हुआ तो अर्चना ने प्रियंका को टारगेट करते हुए कहा कि तू तो नाली वाली औरत है, और यहाँ तक कि कहा कि तू तो नाली का गंध है। और अब ऐसा माना जा रहा है कि सलमान खान अर्चना की इस जुबान को ही मुद्दा बनाने वाले हैं। जी हाँ, अर्चना के इन तीखे शब्दों पर अब सलमान खान चुप नहीं बैठेंगे और अब सलमान के सामने अर्चना की बोलती वो बंद कर देंगे, क्योंकि अब सलमान खान ठान चुके हैं कि वो एंटरटेनमेंट के चक्कर में अर्चना को इतनी फ्रीडम नहीं दे सकते हैं कि वो किसी भी लड़की के बारे में कुछ भी गलत बोल सके। वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ, खबरें आ रही हैं कि अब शुरू हो चुका है इस एपिसोड की शूटिंग होना, और इस दौरान सलमान खान अर्चना पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा निकालते नजर आएंगे, काफ़ी ज़्यादा वो बुरे मूड में दिखाई देंगे और वो काफ़ी ज़्यादा वार्निंग देते दिखाई देने वाले हैं अर्चना गौतम को। वो अर्चना को साफ शब्दों में कह देंगे कि अर्चना, आपको अपने लिमिट्स में रहने की ज़रूरत है। ये एंटरटेनमेंट शो है, रियलिटी शो है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप किसी के भी बारे में कुछ भी बोलने की फ्रीडम रखते हो। बहरहाल, आपको कैसा लगा हमारे वीडियो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और आप मुझे ये भी बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है, क्या वाकई में अर्चना के जो शब्द है जो उन्होंने प्रियंका और गौरी के लिए निकाले हैं वो सही है क्या? अगर नहीं लगते हैं आपको सही तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।